बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टैंकी लगी हुई है छत के ऊपर, इसके अंदर की हालत बहुत ख़राब है, कार्बन सारी। इसको वॉश किया जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरी करके दोबारा लगाएगा। ये प्लम्बर टीम छत पर पाइप डाल रही है। ये वजू वाली साइड का एरिया, यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं। ये तीन टूटियां एक्स्ट्रा लगाई गई हैं वजू के लिए। टाइल लगाने की तैयारी की जा रही है। हाँ जी, आप साहब की कर रहे हो? टाइल ठंडी कर रहे हैं। ये वजू की जगह, यहाँ पे ये जो निशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पे डबल ड्यूटी लगाई जाएगी गर्म और ठंडे पानी। ये टाइम लग रही है, थोड़ा सा एरिया रह गया, ये भी इंशाल्लाह आज लगा दी जाएगी। ये इसके साथ अटैच, ये सारा पत्थर लगा दिया गया छत पे जाने के लिए सीढ़ी। और ये एक ये मोटर लगी हुई है, ये साथ एक्स्ट्रा एक वॉशरूम बना दिया गया है कारी साहब को नहाने के लिए। ये क्लासरूम माशाल्लाह जी, ये हमारे मदरसे के एक छोटे से बेटे हैं, तो इनका नाम है, क्या नाम है अपना? नाम एहसन। इन्होंने कितनी एज है, एज उम्र कितनी है? 12 साल की उम्र में इन्होंने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज मुकम्मल कर लिया है। और ये मिठाई लेके आए हैं आज, ये सब बच्चों का मुंह मीठा भी कराएंगे माशाल्लाह। ये सारे बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये मिठाई का डब्बा खुलेगा तो हम सबका मुँह मीठा होगा। हाँ जी, कितने साल हो गए हैं? कितने साल में हिफ्ज़ किया? 2.5 साल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब और इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद मशारिब है इसका ख़त्म। हाँ, मशारिब का इसने भी हिफ्ज़ कर लिया था। तो ये इस मदरसे का एजाज़ है कि दो बच्चों ने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। तो इंशाल्लाह इनकी जल्दी जो क्या होती है वो दस्तारबंदी करते हैं, क्या करते हैं, हाँ भी दस्तारबंदी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी की जाएगी 9 अक्टूबर को। तो उस वो वाली वीडियो भी इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, आप सबको दिखाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है? कोई किस बात की? तो अब इसके बाद क्या करना है आपने? ज़ोर से ज़रा बोले आवाज़। दरसे इंतज़ामी करेंगे कहाँ से? लाला मूसा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी। माशाल्लाह बड़े अच्छे इरादे हैं इनके कि ये दीन सीख कर दीन सिखाएंगे की। तो ये थी आज की अपडेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।